नमस्कार दोस्तों, क्या लगता है कल 5 दिसंबर 2024 थर्सडे का दिन क्या हो सकता है मार्केट में? बात करेंगे कल मार्केट में कुंभ का मेला लगेगा। क्यों मैंने कुंभ का मेला बोला है भाई? क्योंकि आपको पता है कि ना तो मंडे को वीकली एक्सपायरी हुई, ना तो ट्यूसडे को हुई, ना तो वेडनेसडे को हुई। ठीक है, ये पहला दफा है जब वीकली एक्सपायरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब सभी लोगों का जो पूरा का पूरा एक सेंट्रल जोन है ना सभी ट्रेडर का, वो क्या है? थर्सडे का मार्केट कल, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी 50 की। तो कहीं ना कहीं भीड़ तो जबरदस्त आएगी मार्केट में, और जब भीड़ बहुत जबरदस्त आएगी तो कुंभ का मेला तो लगेगा, और कुंभ का मेला लगेगा तो धक्कम धक्की भी होगी भैया। संभालना होगा अपने आप को, संभालना होगा अपने आप को। ओके, तो चलिए क्या लगता है मार्केट में? तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं, मैंने आपको एक बात बताया था जब मैं मंडे को आपको क्लास दे ले रहा था, जब मैं मंडे को, तो वहां पे मैंने बताया था कि मंडे से वेडनेसडे अब मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, चाहे वो मूव ऊपर का दे या नीचे का दे, मूवमेंट में रहेगी मार्केट, साइडवेज नहीं रहेगी। क्योंकि कोई मतलब बनता नहीं है मंडे से वेडनेसडे के बीच में मार्केट को साइडवेज कराने का, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है एफआईडीआई को, बड़े प्लेयर को। ठीक है, इसलिए वो साइडवेज नहीं कराएंगे। और आप देख लो मंडे से, आप देख लो आज वेडनेसडे का दिन है, और आप देख लो कि ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जब मार्केट में मोमेंटम नहीं रहा हो। मंडे को भी मार्केट में मोमेंटम आया, ट्यूसडे को भी आया, और आज भी मार्केट में मोमेंटम आई। ओके, लेकिन अब बात रहा कि कल का दिन, हाँ जी थर्सडे वीकली एक्सपायरी, हाँ जी वीकली एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी 50 की भीड़ तो जबरदस्त आएगी, क्योंकि भैया 3 दिन एक्सपायरी नहीं हुआ, सबका भूख जो है ना वो भी ये भीड़ मिटाएगी कल। ठीक है, तो ये भीड़ जिस तरह से जबरदस्त आने वाली है कल ना, मेरे को लगता है कि मार्केट को साइडवेज रखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर या तो मार्केट को साइडवेज रखेंगे, या तो एक रेंज के अंदर में फंसा देंगे मार्केट को, ना मार्केट उस रेंज से बाहर ऊपर जा पाएगा, ना उस रेंज से नीचे जा पाएगा। ठीक है, तो कल चांसेस है कि मार्केट में साइडवेज हो सकता है, इसीलिए पहला नंबर सजेशन कि आप जो है कल का एक्सपायरी में काम करने से बचे। ओके, चले पहला नंबर तो ये सजेशन हो गया कि कल का एक्सपायरी में काम करने से बचे। ओके, सेकेंड नंबर बात क्या है ना कि देखिए कल मार्केट साइडवेज होगा तो कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जिसके बीच में मार्केट फंसेगी? तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 24,500 का लेवल। हाँ जी 24,500 का लेवल, ये जो लेवल होगा 24,500, इसी आसपास में मार्केट फंसेगी, यहीं पे मार्केट जो है ना फंसेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो कल का हो जाता है वो 24,500 है। हाँ, अगर अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर मान लीजिए अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है हम देखेंगे, अगर 24,500 का लेवल निफ्टी 50 में ब्रेकआउट हो जाती है नीचे के साइड में रेड कैंडल से, या ऊपर के साइड में एक ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हो जाती है, तो ठीक है हम एंट्री बनाएंगे ना भाई ऊपर में, और नीचे ब्रेकआउट होती है तो हम नीचे के साइड में एंट्री बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक 24,500 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है, कल एंट्री नहीं बनाएंगे हम मार्केट में। और ऐसे भी देखो कल ऑपरेटर भी जो है ना, क्योंकि पहला जो पूरा रूल्स चेंज हुआ है अभी, सेबी ने पूरा रूल चेंज किया है, ठीक है, तो उसके बाद पहला एक्सपायरी हमारा कल आने वाला है। तो काफी लोग कल मार्केट में, मतलब बड़े प्लेयर भी हो सकता है मिस हो मार्केट में, या फिर बड़े प्लेयर भी जो है कल मार्केट में जो है ना कम काम करने के लिए जाएंगे, छोटा पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी एक नया ही मार्केट है कल का, कि पहली बार एक्सपायरी हो रहा है, 3 दिन बाद अचानक वीकली एक्सपायरी, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलिटिलिटी कम डालेंगे मार्केट में,
इसलिए मार्केट जो में जो है वो छोटा बाइंग या अगर सेलिंग भी करना होगा, हम बात करेंगे FIDIs का, हमारा डेटा एनालिसिस होता है रात में 8:45 में यूट्यूब में ही, ठीक है। तो ऐसे मेरे को लगता है कि कल छोटा बाइंग करने के लिए जाएंगे, एकदम छोटा बाइंग, जिससे कि मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, मार्केट एक रेंज के अंदर में ही फंस के रह जाएगा। तो 24,500 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होती है तो आप मार्केट में एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होती है तो आप एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि और मैं आपको आज कोई लेवल नहीं दूंगा, बाद बाकी मैं बोलूंगा कल का मार्केट को आप देखिए, काफी कुछ समझ में आएगा कि नेक्स्ट वीक में हम किस तरह के स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बड़े प्लेयर भी देखेंगे मार्केट को कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम जब हमारा वीकली एक्सपायरी आएगा निफ्टी 50 का, तो वो किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाए, है ना। तो कल हम भी मार्केट को कहीं ना कहीं वॉच करने के लिए आएंगे, काम करने के लिए नहीं। ओके चले, तो ये पहला नंबर हमारा निफ्टी 50 की बात हो गई। अब निफ्टी 50 का कहानी ये है, तो सेंसेक्स का भी यही कहानी होगा भाई, है ना। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में भी यही कहानी है एक्चुअली में, ठीक है, कि सेंसेक्स में आप जो है कल 81,000 का लेवल पे नजर रखिएगा, 81,000 का लेवल। ओके, क्योंकि यहां पे मार्केट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, 81,000 का लेवल। जब तक ये ब्रेकआउट ना हो मार्केट में एंट्री बनाना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी। ओके, और थर्ड नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि अभी जो मार्केट जहाँ पे खड़ा है ना, आप सिंपली अभी तो ऐसे, एक तो हमारा लेवल हो जाता है 53,000 का लेवल, एक तो हमारा 53,000 हो जाता है, और एक मैं आपको और लेवल बोलूँगा 53,500, 53,500। ऐसे तो मैं आपको बोलूंगा जब तक 53,500 का लेवल ब्रेक ना हो जाए मार्केट में एंट्री मत बनाइए। अगर इससे नीचे 53,500 से नीचे अगर मार्केट रहती है तो डेफिनेटली ये साइडवेज रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप बोलोगे कि बैंक निफ्टी में तो काम किया जा सकता है क्योंकि इसका तो एक्सपायरी दूर है, तो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि साइडवेज मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, 10-20 रुपया 25 रुपया प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर, उससे दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमारा कोई प्रीमियम डीके हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का 24 दिसंबर को एक्सपायरी है, अभी मंथली एक्सपायरी है ना, तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप कर सकते हैं बैंक निफ्टी में काम। ओके, तो आप चाहे तो बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका एकदम छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा टारगेट आप नहीं ले सकते, यहाँ पे 10 रुपया से 20 रुपया तक का टारगेट आप ले सकते हैं मैक्सिमम, है ना। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें तो मैं बोलूंगा कि एकदम काम करना है तो बड़ा सोच समझ के, नहीं तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि कल निफ्टी 50 में काम नहीं करना चाहिए आपको कल के एक्सपायरी में। हाँ, आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे सर क्या सर सेंसेक्स में काम कर सकते हैं क्योंकि इसका तो फ्राइडे को एक्सपायरी है, मैं बोलूंगा सेंसेक्स में भी काम मत कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा परसों के बजाय फ्राइडे के बजाय कल ही मार्केट में प्रीमियम डीके होना शुरू हो गया सेंसेक्स का, ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं कल, सुन लीजिए एक बड़ा गेम होने वाला है कल मार्केट में, इसीलिए इंतजार कीजिए, पहले बड़े प्लेयर का गेम को देखिए, समझिए कि क्या बड़े प्लेयर गेम खेल रहे हैं, किस तरह का है ना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा ना वहां से फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हाँ किस तरह से ऑपरेटर जो है गेम खेल रहे हैं यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में, तो उस तरह से हम अपना स्ट्रैटेजी बना के आ सकते हैं, लेकिन ये पहला दफा है तो ऑपरेटर जो है एकदम फाइनली कल जबरदस्त गेम खेलेंगे मार्केट में, और वो गेम जो है होगा ना वो कहीं ना कहीं रिटेलर को लॉस करा देंगे पूरी तरह से, है ना, रिटेलर का पूरी तरह से प्रीमियम खा जाएंगे मार्केट में। ओके, इसीलिए कल आपको निफ्टी 50 में काम करने से थोड़ा बचना पड़ेगा। ओके, अब आप बोलोगे क्या सर आज आप कोई लेवल नहीं दोगे, तो देखो मैं आपको आज कोई लेवल नहीं दूंगा, आज लेवल मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो आपको मना कर रहा हूँ भैया कि आप काम मत करो और उसके बाद मैं आपको लेवल दूंगा, तो ये सही नहीं होगा, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 में कल बड़े प्लेयर भी कहीं ना कहीं मार्केट को देखेंगे समझेंगे, इसीलिए आप भी जो है एक प्रोफेशनल के जैसा मार्केट को देखिए, थोड़ा समझिए, और काम तो हमको करना ही है, ऐसा थोड़ा ना है कि कल बाद हमारा मार्केट फिर कभी खुलेगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो
तो आप पहले एक बार देख लो, पहला एक्सपायरी है, समझना जरूरी है मार्केट में क्या हो रही है, ठीक है। अगर वैसा कुछ लगेगा सुबह तक कि हाँ चलो कुछ मार्केट में अच्छा ट्रेंडिंग बन रहा है, तो मैं सुबह में 8:45 में हमारा यूट्यूब में तो क्लास आता ही है, वहां पे आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे हम अगर कुछ लगेगा तो मैं हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हमारे पास लेवल है भी, लेकिन हम आपको कोई लेवल नहीं देना चाहते क्योंकि मार्केट साइडवेज होगी, आप लेवल में फंस जाओगे तो फिर उसके बाद नुकसान हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए बचिए, और नहीं तो फिर दूर का एक्सपायरी में जाइए। ओके, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कल भी बनाया था, मैंने कल साफ साफ बता दिया था मार्केट 53,000 की तरफ जा रही है, मैंने सारा लेवल दिया, जब तक जो भी मैंने अभी तक लेवल दिया है वो मार्केट में एकदम 95% प्लस रहता है हमारा एक्यूरेसी कि वो मार्केट में काम करेगा, और अभी तक किया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी करेगा हमारा स्ट्रेटेजी काम। तो आप अपने कॉपी में भी ये सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा, मैं जो जो नंबर बताता हूँ, लेवल बताता हूँ, जो साइकोलॉजी बताता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। ओके, तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।